तेरी ही इबादत करते हैं। माशाल्लाह, हमें जालिमों के खिलाफ। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आप 10 to 20,000 रुपीज़ पर वीक अर्निंग करना चाहते हो बट अपनी मेहनत के ज़रिए फ्री में कोई एप्लीकेशन से पैसा नहीं है, तो ये ध्यान में रखना कि आप ये सोच रहे हो कि कोई एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, वहाँ से पैसे डालना है, फिर उसके बाद उसमें से जुआ खेलना है, ऐसा कोई काम नहीं है। मेहनत वाला काम है सोशल मीडिया के ऊपर कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे मैं खुद करता हूँ, बस वो, ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं है वेल्ले बैठ के फालतू में फ्री में पैसा आएगा ऊपर से गिरेगा। मेहनत वाला इंसान है तो करिए, नहीं तो छोड़िए। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, कुरलुस उस्मान सीजन 2 एपिसोड नंबर 36, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम कहाँ रह गए बेटा, कहाँ रह गए? उस्मान साहब आ रहे हैं। बाला के साथ आ रहे हैं। ए, माशाल्लाह मेरा बहादुर, माशाल्लाह सरदार आ रहा है। ए, माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाला, मैं यहां सबसे आगे चलूंगा। ये जंगजू जो इस गजबे में शामिल है, मुझे अपने आगे देखना चाहते हैं। तुम भी पीछे ही रहना, आगे नहीं आना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाला खातून और मैं मिलकर मुकाबला करेंगे। सिपाही भी कले की जानिब रवाना हो गए हैं। किसी को भी हम में से शर्मिंदा मत होने देना। आमीन। जालिम काफिरों के आगे हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। वो जो तेरी राह में लड़ने वाले हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा मेरे अल्लाह। आमीन। वो मंजिल जो किसल अलमा है, उसकी तरफ रास्ता हमवार कर मेरे अल्लाह। आमीन। तेरी राह में और निजामे आलम के लिए उठ खड़े होने वाले ये थोड़े से तुर्क अपने आबाओ अजदाद के दिए हुए वकार और हैबत के साथ तेरे आगे सर निगू है, तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ माशाल्लाह, ऐ अल्लाह, हमें जालिमों के खिलाफ पहाड़ों जैसी ताकत अदा कर। आमीन। फिर से फतह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बना देंगे।
या तो हम उस खले को फतह करके वापस आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। या तो उस खले को फतह करेंगे और या हमारे सब सिपाहियों में से जिंदा वापस कोई नहीं लौटेगा। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ साल। तो हुजूर, उस्मान साहब कहां है? कोई खबर है उनकी? कोई खबर नहीं हुजूर। क्या मतलब कोई खबर नहीं? कहां है उस्मान साहब? उन्हें ढूंढकर आपको खबर देते हैं। चले गए। हर जगह देखो, तलाश करो, जाओ। खबर नहीं है ऑब्वियसली, क्यों रहेगी भाई खबर? देखने को जाए सार में तो नहीं दुनदार साहब? हाँ बताइए। बट ये भी तो बीच में बैठा है एक, ये भी एक सीन है ना अपना कि ये बीच में बैठ गया, तो वो एक दिक्कत हो गई अभी। आ जाओ उस्मान, सामने आओ। कहाँ हो तुम? निकोला को पता था कि उस्मान जाने वाला है और उस वजह से उसने इसको यहाँ पे भेजा कि जब भी उस्मान यहाँ से आएगा तो ये मारेगा उस्मान, ऐसा इसको लगता है कि मारेगा। इधर हमारे बंदे भी रेडी है। या शहीद या गाजी, या शहीद या गाजी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम भी अल्लाह के सुपुर्द। ओए होए होए, चले फिर। हाँ जाओ। आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब? कुलो जा हिसार। तो फिर इस जहाद में मुझे शामिल नहीं करेंगे? जहाद तो हम जैसों के किस्मत में लिखा होता है। शहादत की ख्वाहिश रखने वाले को मना कौन कर सकता है? हाय 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 हाय। जीते रहे। आ जाए या। ओए 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 भाई। तुर्क दीवार फनाद कर अंदर आ गए हैं। जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी हमला हो गया है। जल्दी ये क्या? अच्छा ये अपने ही बंदे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे फुफ्फड़ आ गए हैं। उन्होंने हलचल मचा दी है सारी। और कुछ नहीं, तमाम सिपाही दरवाजे पर पहुंचो। कहां से हमला हो रहा है ये? अरे लैला तू जाना दिमाग का लैला। हेलन सॉरी। चलो चलो जल्दी। क्या हो रहा है ये? फुफड़ आ गए तुम्हारे फुफड़। ये लोग कहां से हमले कर रहे हैं बताओ मुझे। तुर्कों ने दरवाजा तोड़ दिया है। ये हुआ कैसे? ये नामुमकिन है। इस बहरे आदमी को पकड़ के मेरे पास आओ। दरवाजा तोड़ दिया है, दरवाजे के पास जाओ। सब एक रास्ते मत जाओ। आखिर कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? चुपने तू, दिमाग की दही कर रही। कुछ तो कर रहा है। जल्दी करो, जल्दी। किसी को नहीं छोड़ना। चलो जल्दी निकलो, जल्दी जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम चलते रहो, रास्ता छोड़ो।
जा। बंद कर दिया। सारे सिपाही बंद कर दिए भाई। तादाद में तुम्हें कम करके, तुम्हें कमजोर बना के हम जीतेंगे ये जंग, क्योंकि हमारे बंदे कम है ना। या अल्लाह, हजरत, मैं यहाँ खैर सगाली के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अच्छा रद्द अमल आया हो। मैं इस आदमी के इल्जाम से तंग आ गया हूँ। मुझे गेहातू और खैर सगाली की बातों में मत उकसाओ। साहूजी साहब, काम करो साहूजी साहब, पुरसुकून हो जाइए। कलाकार अगर उस गोलो जाहिसार को रखना चाहता है तो उसे हमारी शरायत को कबूल करना होगा, वरना क्या, वरना गला कटेगा तेरा। हैरान करोगे, हाँ, मैं उस्मान की तरह नहीं हूँ निकोला। अगर मैं आया तो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ नहीं आऊंगा। मैं सिपा सलार हूँ, मैं कई कबीले के तमाम जंगजुओं के साथ आऊंगा और किसी को सलामत नहीं छोड़ूंगा। ये सिपा सलार का असल में क्या मतलब होता है, या ये कोई सिपाही नामी चीज है? ये था हमारा रिएक्शन भाई साहब, क्या भाई साउची में डायरेक्ट भाई उसके ऊपर चढ़ गए ना भाई, मजा आ गया। जबरदस्त सीन था, बेहतरीन सीन था, मजा आ गया भाई। नेक्स्ट सीन देखने वाला है कैसा होने वाला है। सो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा एंड तक, और देखिएगा क्या होता है आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।